Welcome to our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी दिन से अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं किया। इसका मेन रीज़न ये था कि मैं अपने जॉब में, ऑफिस के कामों में बहुत बिज़ी होता था, तो मुझे कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिलता था। कोई वीडियोज़ बना के जो है ना अपने चैनल पर अपलोड करूँ, उसका टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि हर वीक जो है ना एक या दो वीडियोज़ मैं चैनल पर अपलोड करूँगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोगों को बहुत सारा वेट करवाया, तो इंशाल्लाह अब जो है ना हर वीक में एक या दो वीडियो ज़रूर आएंगी। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक ये था कि अगर आपको कोई भी वॉइस इनवाइस बनानी है तो कैसे आप उसको ऑनलाइन बनाएं। वैसे तो आप लोग जो है ना वर्ड और एक्सेल का यूज़ करते हैं, तो उसमें फॉर्मेट बनाने का वो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे ना जो आप आराम से बना सकते हैं। तो उसमें आपको बना के दिखाऊंगा कैसे इनवाइस और कोटेशन कैसे बनती है, तो वो बिल्कुल अच्छी सी बन जाती है और थोड़े टाइम में जो है ना जल्दी बन जाती है। तो इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है इनवाइस जनरेटर ये ऑनलाइन, ठीक है। तो दोस्तों, इनवाइस जनरेटर ऑनलाइन ये मैंने सर्च किया, तो ये टॉप पे जो आ रही है ना invoicegenerator.com, तो बीच में ये बिट का जो है ना ये भी साइन है, तो invoicegenerator.com ये वेबसाइट है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल है और सारा फ्री में है। कोई भी आपको यहाँ पे पैड नहीं है, पैसे वगैरह नहीं पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ये एड योर लोगो, यहाँ पे आपको लोगो जो लगाना है अपनी कंपनी का या जो भी अपना लोगो है वो लगवाना है। अगर लोगो नहीं है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक गूगल से डाउनलोड किया है इमेज, तो वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये नेम के नाम से पड़ा है, तो मैंने ये लगा लिया। अब आपको लिखना है जो भी अपना आपकी कंपनी का नाम है या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, इनवाइस। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, ठीक है। आपको जो अपनी कंपनी है, ठीक है, उसका नाम लिख लेना है। उसके नीचे जो है ना जो xyz@gmail.com, ठीक है, आपकी मेल लिखनी है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। तो उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपका है उसके नीचे एड्रेस लिखनी है, ठीक है। तो दोस्तों, एड्रेस जो भी आप एड्रेस लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है रेफरेंस कोड है, तो जो भी आप रेफरेंस कोड देना चाहते हो वो दे सकते हो आप। इनवाइस अगर जितने भी पहले इनवाइस बनाई है या फर्स्ट आपकी इनवाइस है, तो 001 आप लिख सकते हो या ओनली 1 लिख सकते हो, या कोई भी इसमें आपको डिजिट देना है तो वो भी डिजिट भी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी डिजिट देना है तो वो भी दे सकते हो। फॉर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 001, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डेट लगवानी है, ठीक है, जिस जो भी आप डेट लगाना चाहते हो। फॉर सपोज मैं आज की डेट लगवाना चाहता हूँ, तो मुझे आज की डेट यहाँ ये आ गई, ठीक है। ड्यू डेट जो भी आप ड्यू डेट इसमें तकरीबन एक हफ्ते की, दो दिन की, चार दिन, फॉर सपोज मैं 31 लगा देता हूँ, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बिल टू, ठीक है। आप जो है ना सामना जो भी सामने बंदा है उसको किसको आप देना चाहते हो, तो फॉर सपोज मैं उसका भी नाम XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। उसकी एड्रेस जो भी है जीमेल लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, ईमेल यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे नंबर लिखना है उसका, ठीक है, और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखनी है उसकी, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब जो भी आप सर्विस देना चाहते हो, फॉर सपोज आप मोबाइल ऐप डेवलपर हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। तो क्वांटिटी कितने जो है ना ऐप वो बनाना चाहता है, 1, 2, 3,
जो भी है, अगर यहाँ पे आप क्वांटिटी ए करते हो और प्राइस जो भी है फॉर सपोज आपकी 30 पी के आ रहा है, ठीक है। अगर आपको करेंसी चेंज करनी है ना, तो यहाँ से कर सकते हो, ये करेंसी का बटन आ रहा है, यहाँ से आप जो भी करेंसी, सारी भी करेंसी इधर पड़ी है, जो भी आपको जिस करेंसी में आप अमाउंट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं जो ना पी के आर यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये पी के आर लिखी है, ठीक है। और अगर ये क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ क्वांटिटी, तो ये अमाउंट टोटल जो है ना डबल हो जाएगा, क्योंकि जो है ना ये बंदा जो है ना मुझसे 2 अप्लीकेशंस बनाना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक है, और नीचे क्या करना है, लाइन आइटम, अगर दूसरा कोई भी और कोई भी सर्विस है इसमें और भी कोई करना चाहते हो, फॉर सपोज मैं इधर लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ठीक है, कॉस्ट लिखो या चार्ज लिखो आपकी मर्जी है। इधर फॉर सपोज मैं लिखता हूँ 50,000, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, और नोट में जो भी आपको कुछ लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, और यहाँ से ये यह टैक्सेस अगर लगाना चाहते हो यहाँ लगा सकते हो, और ये बैलेंस ड्यू, कोई भी बैलेंस वगैरह यहाँ पे ड्यू, अगर अमाउंट जो है ना आपने जो डेट लगवाई है उसके बाद अगर पेमेंट वो बंदा पेड करता है, तो यहाँ से आप ड्यू अमाउंट लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड वाला बटन है, डाउनलोड इनवाइस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो है ना PDF में डाउनलोड हो गई है, ये लिखा हुआ, योर इनवाइस हैज़ बीन जनरेटेड, इफ़ द इनवाइस डिड नॉट ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन यू कैन फाइंड योर डाउनलोड फोल्डर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब आप देखो ये आपकी इनवाइस बन गई है, ठीक है दोस्तों। फॉर सपोज ये मैंने लिखा है लोगो मेकर, ठीक है, XYZ XYZ, ये मैंने जो भी, ये हमारी जो भी एड्रेस है, ठीक है, और ये जो जिस जो बंदा सर्विस लेना चाहता है, ठीक है, XYZ जो भी है वो, और इनवाइस नेम, ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये डेट है और ये ड्यू डेट है, ठीक है, ये आपका जो है ना बैलेंस ड्यू है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका जो आइटम है, आपने जो भी चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पे देखो ये पड़ी है। अगर हम आप नोट्स और टर्म्स जो भी यूज़ करना चाहते हो वो नीचे से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो मैंने कुछ भी उसमें नहीं लिखा था टर्म्स एंड नोट्स में, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसका जो है ना यूज़ करके आप 2 मिनट में भी अपनी जो है ना बना सकते हो इनवॉइस,